एक शासकीय अधिकारी की प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पत्नी भी सरकारी डिपार्टमेंट में कार्यरत है। पत्नी ने आरोप लगाया है कि पति शराब पीकर मारपीट करता है, उसने दूसरी शादी कर ली है और उस महिला के साथ रहने के लिए दबाव बनाता है। वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय में निस्सहायक के पद पर पदस्थ राजेश ताड़ की शिकायत लेकर उनकी पत्नी मंगलवार को रीगल स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर जन सुनवाई में पहुंची। यहां उन्होंने पुलिस को बताया कि पति ने बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है, जिसकी शिकायत चंदन नगर थाने में की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पीड़िता ने बताया कि वे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही हैं। विभागीय जांच भी पति के खिलाफ चल रही है। इस पर अधिकारियों ने कार्यवाही को लेकर आश्वस्त कर उन्हें रवाना कर दिया। पीड़ित पत्नी ने बताया कि शिकायत के बाद भी कार्यवाही अभी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी ऐसा बता रहे हैं कि कार्यवाही चल रही है। जन सुनवाई में पुलिस अफसरों ने आश्वस्त किया है कि चंदन नगर थाने में जाएंगे तो कार्यवाही होगी। पीड़िता ने बताया कि पति मुझे शराब पीकर मारते हैं। जिस महिला के साथ उन्होंने शादी की है उसके साथ रहने के लिए कहते हैं, उसके साथ नहीं रहने पर घर से निकालने के लिए कहते हैं। दूसरी महिला को अन्य जगह किराए से कमरा दिलाया है, वो भी उसी के साथ रह रहे हैं। मैं एक शासकीय अधिकारी हूँ। मेरे पति राजेश ताड़ आयुक्त वाणिज्य कर कार्यालय में निस्सहायक के पद पर पदस्थ है। मेरे पति ने मुझे तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली और मुझे आए दिन प्रताड़ित करते हैं, जिसकी मैंने शिकायत चंदन नगर थाना में की है, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से मेरे पति द्वारा प्रताड़ित होती आ रही हूँ। कार्रवाई अभी नहीं हुई सर, कार्रवाई अभी चल रही है ऐसा बता रहे हैं, बस चल रही है पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। आज जन सुनवाई में पूछे क्या बोले? सर ने अभी मुझे आश्वस्त किया है कि आप चंदन नगर थाने में जाएंगे तो आपके जो भी है कार्रवाई होगी। मेरे पति मुझे मारते हैं सर, शराब पी के मारना, गाली गलौज करना, उस महिला के साथ में रहने के लिए कहते हैं, और या तो फिर मुझे घर से निकालने के लिए बात